हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गायत्री किचन। सभी को प्रणाम। तो चलिए बनाते हैं बाजरे के आटा का खस्ता बिस्किट। सबसे पहले मैंने 1/3 कप पानी लिया है और 1/2 कप मैंने चीनी लिया है। बस गुनगुना सा पानी करना है जिससे चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, ज़्यादा खौलाना नहीं है। और इसमें मैंने बाजरे के लिए बिस्किट के लिए 1 कप मैंने बाजरे का आटा और 1/3 कप मैंने गेहूँ का आटा लिया है। थोड़ा सा मैंने नमक डाला है और 1 चम्मच इलायची पाउडर, 2 चम्मच मैंने सफ़ेद तिल डाला है। नमक इसलिए डाला है जिससे थोड़ा नमकीन लगे। और 3 चम्मच मैंने देसी घी डाला है। आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं, पर घी से अच्छा स्वाद आएगा। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें ये चाशनी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके ही घुटना, सारा इकट्ठा मत डाल दीजिएगा आप चाशनी, थोड़ा थोड़ा ही करके। तो इस तरीके से धूप हाथों लेना की सहायता से इसे बहुत अच्छे से घुटना है ताकि इसमें सॉफ्टपन आ जाए। तो ये देखिए, 1 चम्मच घी में ही आप बहुत कुरकुरे और स्वादिष्ट बाजरे का बिस्किट बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने गूंथ लिया है और इसे 10 मिनट के लिए रख देते हैं। तो 10 मिनट बाद देखिए, अब इस तरीके से मैंने लोइयां बना ली हैं। इस तरीके से मैंने सारी लोइयां बना ली हैं। आप चाहे तो छोटा छोटा लोई लेकर हाथ पे भी इस तरीके से भी बना सकते हैं, पर ऐसे बनाएंगे तो ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो मैंने चकले पे इस तरीके से ऐसे कर लेना है लोई को और इसे बेलन से बेल लेना है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। तो इस तरीके से आपके पास इस तरीके से छोटी सी ग्लास है राउंड शेप में, या कोई भी ढक्कन है राउंड शेप में, गोल आकार में, इससे कट कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये कट जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए, ये गोल शेप में बिस्किट कट के तैयार हो गया है इसी तरीके से मैं, और बहुत ही अच्छा आकार आता है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारे बिस्किट कट कर लिए हैं। इस तरीके से अब मैंने इस तरीके से पैन लिया है और इसमें घी बिल्कुल नहीं लगाना है। बस धीमी आंच पे पैन रख कर थोड़ा गर्म करना है और एक एक करके इस तरीके से बाजरे का बिस्किट इस तरीके से रखते जाना है और इसको थोड़ा पकने देना है। फिर पलट के थोड़ा थोड़ा घी ऊपर से लगाना है, ज़्यादा तेल में नहीं तलना है। आप इसमें कम घी में ही बहुत ही स्वादिष्ट ये बिस्किट बना सकते हैं। तो ये देखिए, कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं दूसरी बार भी पलट दे रही हूँ। तो ये देखिए, बाजरे का बिस्किट बनके तैयार हो गया है कम घी में ही। तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है और नमकीन बना है। आप इसे सफ़र में भी ले जा सकते हैं और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा ये नमकीन बाजरे का बिस्किट। और इसे आप 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं इस बिस्किट को। बहुत ही स्वादिष्ट बना है खस्ता बिल्कुल, ये देखिए। तो इस तरीके से बाजरे का बिस्किट आप ज़रूर से इस तरीके से बनाइए और ज़रूर से मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो ये देखिए बिस्किट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।